आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये है कि जब भी हम किसी वायर में करंट को फ्लो करते हैं तो हमको वर्क रिक्वायर्ड होता है। ये वर्क आता कहाँ से है? ये वर्क आता है जब हमने जिस वायर को, जिस भी कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया, इसमें हमने करंट आई फ्लो कर रहे हैं, तो हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे किसी सोर्स से। तो ये जो एनर्जी है जो इस वायर में इलेक्ट्रॉन को मूव कराती है, वो एनर्जी हमको मिलती है सेल से, जो सेल हम इसमें कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, हम चलते हैं बेसिक डेफिनेशन से, क्योंकि बहुत इजी है इसके न्यूमेरिकल्स के लिए भी फॉर्मूले ड्राइव करना। बेसिक फॉर्मूला हमारा था, यदि ध्यान हो आपको, पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला था वी इज इक्वल्स टू डब्लू अपॉन क्यू। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यदि हमको इस वायर में क्यू चार्ज को फ्लो करना है तो हमको जो वर्क चाहिए होगा वही वर्क हमारा होगा इस वायर में करंट को फ्लो करने के लिए रिक्वायर्ड वर्क ही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इस एंड, यानी ये ए एंड ले कहा मैंने और ये बी एंड कहा, तो ए और बी एंड के बीच में यदि पोटेंशियल का डिफरेंस वी है तो क्यू चार्ज को मूव कराने के लिए हमको वर्क चाहिए होगा डब्लू। तो यहां से डब्लू हमारा हो गया वी इंटू क्यू। क्यू क्या है हमारा, आई टी। क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, बेसिक फॉर्मूला हमारा करंट का। क्यू की जगह हमने आई टी सब्सिट्यूट कर दिया, तो डब्लू हमारा हो गया वी आई टी। यही डब्लू हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो एक फॉर्मूला तो हमारा वर्क डन का हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो गया, डब्लू इज इक्वल्स टू वी आई टी। ओम के नियम से, ओम्स का लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। यदि हम V की जगह यहां पे IR सब्सिट्यूट कर दें तो हमारा W हो जाएगा I स्क्वायर R T। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने V की जगह IR लिखा था, अब यदि हम I की जगह V अपॉन R कर दें तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और इस तरीके से ये तीन फॉर्मूले हमारे हो गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो यहां से हमारा पी हो गया, पी इज इक्वल्स टू W अपॉन T। इसी बेसिक फॉर्मूले से देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर W की जगह पहला फॉर्मूला में रखा वी आई टी, तो यहां से हमारा P इज इक्वल टू क्या आ गया, वी आई। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द पावर। सेकंड देखते हैं हम, W हमारा है आई स्क्वायर आर टी, तो सेकंड फॉर्मूला हमारा पावर का आ गया आई स्क्वायर आर। और थर्ड फॉर्मूला हमारा बनेगा P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे हो गए पावर के, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो दीज आर द थ्री बेसिक फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि जब हम जहां पर पावर को जनरेट करते हैं वहां से जब हम अपनी पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं। जब हमारी पावर ट्रांसमिट हो रही है थ्रू द वायर, तो ये हमारा ट्रांसमिटिंग स्टेशन था जहां पर कि हमने पावर ड्रॉ की है पी, किस वोल्टेज पर, वी वोल्टेज पर, और करंट हमारी थी आई। अब यदि हम इस वायर के थ्रू, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, इस वायर के थ्रू यदि हम करंट को, पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंसेस में इस वायर का रेजिस्टेंस होगा,
मान लीजिए वायर का रेजिस्टेंस हमारा है आर, तो यहां पर हमारा पावर का लॉस होगा, यानी काफी कुछ पावर हमारी जो हमको ट्रांसफर करनी थी, काफी कुछ पावर का बड़ा पोर्शन हमारा किस में लॉस हो जाएगा, लाइन लॉस में, ट्रांसमिशन लॉस में। तो यदि हमको हमको निकालनी है कि हमारी पावर का लॉस कितना हो रहा है या मिनिमाइज कैसे हम करें पावर को, तो यदि हमारी पावर आ रही है पीसी, ये वो पावर है जो लाइन लॉस हो रहा है, पावर इन लाइन लॉस, पीसी हमारा है पावर इन लाइन लॉस। तो बेटा देखिए रहा, पीसी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन हम खत्म नहीं कर सकते, तो मिनिमाइज करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कॉपर का वायर, लेकिन कॉपर का वायर यदि हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करें तो इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड इट इज़ वेरी हैवी। तो कॉस्टली और हैवी को मिनिमाइज यदि करना है तो हमको क्या होगा, वेट क्योंकि कॉपर का बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन के जो पोल्स हैं इट विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत भारी बनाने होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने होंगे, तो वो एक अगेन एक लॉस हो गया। अब हमें करना क्या होता है, देखिएगा जरा, हमारी पावर जब जनरेट कर रहे थे वो था P इज इक्वल्स टू वी आई, यहां से हम I को देखें सो I हमारा हो गया P अपॉन V, इस I की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दीजिए तो PC हमारा हो गया P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू R। इस फॉर्मूले से ध्यान से देखिएगा कि जितना ज्यादा हम पोटेंशियल रखते हैं अपने करंट अपनी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए उतना ही हमारा पावर का लॉस कम होगा। इसीलिए जब हम अपनी पावर को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं तो हम हाई वोल्टेज पर भेजते हैं। आपने देखा होगा 22,000 33,000 की लाइन हम देखते हैं, तो वो हमारा हाई वोल्टेज इसीलिए रखा जाता है कि जब वोल्टेज हमारा हाई होगा तो पावर का लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने पर कम से कम होगा। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, combinations, combination of resistance। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, लेट अस कंसीडर, हमने थ्री रेजिस्टेंसेस ले लिए आर वन, यहां से हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R2, यहां से हमारा तीसरा रेजिस्टेंस हो गया R3। दीज आर द थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3। ये जो मैंने ड्रॉ किया है दिस वन, दिस इज कनेक्टिंग वायर्स, और यहां पे ये हमारा सोर्स है जिसका पोटेंशियल हमने लिया है V, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू अक्रॉस हमारा कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। यदि यहां से हमारी सोर्स से करंट आई है आई, तो ये करंट आई हमारी रेजिस्टेंस आर वन में भी जाएगी, यही करंट आर टू में भी जाएगी और यही करंट आर थ्री में भी जाएगी। ओम के लॉ से आई आर वन, आई आर टू और आई आर थ्री, क्योंकि आर वन आर टू आर थ्री अलग अलग हैं, तो आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री की वैल्यू भी अलग होगी। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस विल बी डिफरेंट। यदि रेजिस्टेंस वन के अक्रॉस पोटेंशियल मेरा वी वन है तो वी वन हमारा हो गया आई आर वन, वी टू हमारा हो गया आई आर टू और वी थ्री हमारा हो गया आई आर थ्री। क्लियर? यहां से लेकर यहां तक हमारा है V1, यहां से ये हो गया V2 और इतना हो गया V3। V1, V2 और V3 को हम ऐड करें तो इट इज इक्वल्स टू V।
वी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। वैल्यू फटाफट सब्स्टिट्यूट कीजिए, आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री। वी इज इक्वल्स टू आई कॉमन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, वी अपॉन आई। वी इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट एंड आई इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, तो वी अपॉन आई हमारा टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया। हमने मान लिया कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा है आर एस, एस इसलिए बोलते थे सीरीज में है इसलिए, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये हमारी रेजिस्टेंस आ गई यदि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। यदि हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम में, सीरीज को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में या पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हमारा रेजिस्टेंस ये हमारा आर वन हो गया, सभी रेजिस्टेंसेस के एंड्स जो कनेक्टेड होंगे वो एक ही जगह पर होंगे। हमने ये तीन रेजिस्टेंस ले लिए आर वन, आर टू और ये आर थ्री, और हमने इसको कनेक्ट किया है अपने सोर्स वी से प्लस माइनस। ये जो हमारा वायर है कनेक्टिंग वायर, दिस इज अ कनेक्टिंग वायर, तो इसमें तो कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होना। सर सोर्स से हमारी करंट चली है आई, रेजिस्टेंस आर वन भी उन्हीं दो पॉइंट्स पर है, रेजिस्टेंस आर टू के बीच भी वही दो पॉइंट है, रेजिस्टेंस आर थ्री भी उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में है। इसका मतलब आर वन आर टू आर थ्री के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल कितना है, वी है। ये चीज क्लियर हो गई कि इफ द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल पोटेंशियल विल बी सेम, इफ द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज करंट विल बी सेम। यहां से करंट आई के पास अभी तक सिर्फ एक रास्ता था, अब ये तीन रास्तों में डिवाइड हो गया। हमने कह दिया इधर चली गई आई वन, इधर चली गई आई टू, इधर चली गई आई थ्री, तो यहां से हमारा आई हो गया आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। रेजिस्टेंस वन के लिए देखिए पोटेंशियल तो वी ही है, तो वी इज इक्वल्स टू आई वन आर वन, और यहां से हमको I1 की वैल्यू मिल गई V अपॉन R1। सिमिलरली I2 भी मिल जाएगा V अपॉन R2, और I3 भी मिल जाएगा V अपॉन R3। I1, I2, I3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो I बराबर V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस वन अपॉन आर थ्री। आई अपॉन वी हो गया, आई अपॉन वी को हम लिख सकते हैं वन अपॉन वी अपॉन आई, और ये वी अपॉन आई हमारा हो गया आर। सो वी कैन राइट इट वन अपॉन आर पी, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। यदि रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमारी वैल्यू होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। राइट, चलिए, थैंक यू।